हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और नया अपडेट देने के लिए हम आपके पास आ चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर आप लोग एएनएम और जीएनएम कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है कि आपको ये काम कभी नहीं करना है जो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आप सारे लोगों को, आपके भविष्य की बात है तो बिल्कुल उससे इस वीडियो को देखेंगे और आपकी पूरी डाउट क्लियर करेंगे कि एएनएम जीएनएम के लिए हम कौन सी नया नोटिस जारी करने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपके लिए बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों बताना ये था कि 6 जून से राजा पाकर में होगी जीएनएम छात्रों की पढ़ाई। ऐसे तो राजा पाकर में जो जीएनएम की क्लास है उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, यानी कि न्यू सेशन में जिन कैंडिडेटों का एडमिशन हुआ है उन कैंडिडेटों को जीएनएम के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। और वहीं पीएमसीएच के जो भी कैंडिडेट थे जीएनएम करने वाले, उनको राजा पाकर में शिफ्ट कर दिया गया है। और इन पीएमसीएच वाले कैंडिडेटों को 6 जून से वैशाली राजा पाकर में यहाँ पर क्लास होना शुरू होगा। तो पीएमसीएच वाले जो भी कैंडिडेट है बिल्कुल उसे अपना वहाँ पर हॉस्टल शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएँ वहाँ पर प्रावधान कर दिया गया, यानी कि जो भी आपका हॉस्टल्स हो वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, हर तरह से लेकर के वहाँ पर सुविधाएँ मुहैया करा दी गई है। तो सारे कैंडिडेट अब जो भी पीएमसीएच के थे, तीनों बैच मिला करके 180 छात्राएँ जीएनएम की वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो ये 180 छात्राएँ आप लोग अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही एएनएम के जो भी नया स्टूडेंट हो, आपने जो एडमिशन लिए हो, बिल्कुल उससे आप लोग सारे कैंडिडेट अपना अपना कॉलेज चले जाइए और वहाँ पर आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर जिन कॉलेजों में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है या सूचना नहीं मिला है तो आप लोग अपने प्रिंसिपल से जाकर के कांटेक्ट करिए। साथ ही नया कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा, जो भी एएनएम वाले हो या फिर जीएनएम वाले, आप अपने कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह में बहुत कुछ वगैरह होता है तो उस सब पर ध्यान नहीं देना है। और आप लोग अपने हॉस्टल्स में अच्छी तरह से रहेंगे, ये सारी जो प्रोटोकॉल है अपना ध्यान रख करके आपको जो 3 साल की या फिर 2 साल के जो कोर्स क्लासेज हैं उसको अच्छी तरह से करिएगा। कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट का, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, सारे स्टूडेंट को मिलजुल करके एकता के साथ रहना होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके न्यू स्टूडेंट अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सारे खबर हम आपको जानकारी देते रहेंगे एएनएम जीएनएम से रिलेटेड हर जानकारी के लिए। थैंक यू, सुनते रहिएगा।